हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आपके सामने हूँ कुछ एक नई चीज लेकर के। सामने रक्षाबंधन का त्योहार है ना, तो छोटी छोटी तैयारियां करना हमें बहुत अच्छा लगता है। और जब बहने भाई के लिए करती हैं और भाई सडनली उसे देखता है तो वो भी अपनी बहन की कला के ऊपर मोहित हो जाते हैं कि वो मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बहन इतनी कलात्मक है। तो आइए, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे तरीके से थाली के विषय में बता रही हूँ कि जो पोर्टेबल होगी, जिसे आप थाली पे सजाना चाहें तो थाली सजा लीजिए, आप उसे थालपोश बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो आप देखते जाइए ना, बोलने का क्या है। आइए मैं दिखाती हूँ। ये गोल्डन कलर, रेड पर गोल्डन कलर, आप देख सकते हैं। इसके नीचे कोई थाली नहीं है, ये सिर्फ एक थाली के आकार का कपड़ा है ना खूबसूरत। ये मैंने बनाया इसलिए कि पहले जैसे हमने एक थाली बनाई थी, देखिए, राखी बांधने के लिए, इसमें हमने रोली, चावल और इसमें पानी, यहाँ राखी, यहाँ हम लोग मिठाई रखेंगे और थाली को डेकोरेट किया। तो ये तो हो गई है परमानेंट थाली डेकोरेशन। अब इस थाली को हमें इसी काम में लेना है या फिर खराब हो जाए तो इसे हटा देना है, वेस्ट हो गया। आज हमें दूसरा आइडिया लेंगे। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, वही रेड कलर का झोला या आपको जो भी कलर पसंद आए। कुछ बच्चों ने मुझसे ये पूछा है कि हम लोग झोले की जगह क्या ले सकते हैं, तो बच्चों आप कोई कपड़ा ले सकते हैं। आप बेस्ट से बेस्ट, बढ़िया से बढ़िया कुछ बनाना चाहते हैं तो आप परचेज कीजिए और बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग घर में पड़ी हुई चीज़ों का यूटिलाइज करते हैं, इसलिए मैंने बताया कि हम लोग ये कैरी बैग जो आते हैं इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो नहीं तो आप मम्मी की कोई पुरानी साड़ी होती है जिसका आँचल बहुत खूबसूरत होता है, उसकी भी कटिंग करके आप लगाएं तो उसमें ज़्यादा आपको वर्क भी नहीं करना होगा, सिर्फ किनारे लगाने होंगे, वो आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया, एक थाली का शेप बनाया और राउंड सर्कल में बना लिया हमने। और ये इस तरह की जो लेयर्स आती है, ये देखिए कितनी चौड़ी होती है, ये और भी चौड़ी होती है। इसको हम लोग बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसकी कटिंग की है मैंने, देखिए इतनी पतली पतली, आप इसे काउंट करके भी काम कर सकते हैं। आपके मन है आप चौड़ी लगाना चाहते हैं, दो लेस एक साथ काट लीजिए, एक काटे, तीन काटे, लेकिन बेस्ट ये डिज़ाइन के लिए आपको बेस्ट होगा सिंगल। ये बनाया हमने, उसके बाद इसी को छोटे छोटे एक एक पीस कर दिया है, एक एक पीस में इनको अलग अलग कर दिए हैं, तो जो कि हमारे ये बीच में लगाने के काम हो गए। और यहाँ पर यदि आप चाहें तो आपके पास यदि गोल्डन सितारे हैं थोड़े इस स्क्वायर से छोटे, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें मैंने छोटे छोटे सितारे भी लगाए हैं। और यदि सितारे नहीं है और सिर्फ ये लेस है तो ये भी सफिशियंट है, आप इसे कटिंग कर करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर हमने बनाया है, स्क्वायर बना दिए हैं, एक सर्कल काटा, और क्योंकि ये थोड़ा पतला होता है कपड़ा तो इसको हमने डबल किया। तो इस बार हमने फेविकॉल का यूज़ कम किया है। देखिए मैं दोनों कलर के धागे दिखाती हूँ आपको। पहले रेड कलर से हमने जो डबल किया इस कपड़े को, उसको आप स्टिच कर लीजिए तो ये इधर उधर स्लिप नहीं करेगा। उसके बाद ये वाली लेस, इस तरह की बहुत डिज़ाइन की लेस मिलती हैं जिसमें लटकन होती है और ऊपर से डिज़ाइन होती है। रेड पर क्योंकि मैंने गोल्डन चूज़ किया है तो किनारी में भी गोल्डन लगाया है। आपके पास यदि लेस नहीं है तो आप मोतियों को पिरो करके भी झालर बना सकते हैं, लेकिन जब आप मोती खरीदेंगे तो बेटर होगा आप लेस ही ले लें। ये लेस क्या होती है, ये थोड़ी वेटी होती है, इसमें वजन होता है। तो इसे फेविकॉल से यदि आप चिपकाएंगे या ग्लू गम से भी चिपकाएंगे तो इसके गिरने का डर रहता है। तो हम लोग इसको थ्रेड से और निडल की सहायता से इसमें स्टिच कर देंगे। जैसा देखिए हमने कर दिया है गोलाकार में, ये देखिए। अब बहुत से लोग क्या होता है कन्फ्यूज़न में, रेड कलर का कपड़ा है तो वो रेड ही धागा लेते हैं, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें कि जब रेड के ऊपर हमें वर्क करना है तब रेड धागा लेंगे। और क्योंकि हम लोग गोल्डन लगा रहे हैं तो इसके ऊपर यदि रेड लगाएंगे तो वो दिखाई देगा, तो हमें यहाँ पर येलो कलर का लेना है। ये हमने इसमें स्क्वायर बनाए
बहुत ही सिंपल है, आप देख के ही समझ सकते हैं, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर इस पर ये झालर लगा दिए तो ये रेडी हो गई। अब आप इसे क्या करें, आपको यदि राखी के लिए थाली बनानी है तो आप इसकी तरह स्टिक ना करें, क्योंकि ये तो परमानेंट हो गई है या ख़राब हो जाएगी तो आपको हटाना पड़ेगा। आप इस तरीके से अलग से बना लीजिए और फिर उसे एक थाली के ऊपर बिछा दीजिए यूँ, और फिर उसी के सेट के देखिए मैंने कटोरियाँ बनाई हैं। तो ये कटोरी क्या है, पतंजलि का हींग घर में आता ही होगा, जब वो खाली हो जाता है उसके ऊपर के ढक्कन को ले लीजिए, कितना सुंदर शेप आया हुआ है। उसके ऊपर आप जिस कलर का थाल पुष्प बना रहे हैं वही कलर लगाइए। यहाँ मैंने रेड लिया तो रेड कलर चढ़ा दिया इसलिए। और फिर इसके ये जो सिंगल सिंगल पीस मैंने कहे थे, क्योंकि आप राउंड यदि लगा सकते हैं तो आप इसे सर्कल में लगाइए, लेकिन होता क्या है जनरली ये सर्कल में नहीं लग पाता, तो इसके एक पीस कर लीजिए और इसे सर्कल में भी लगा दीजिए। और नीचे हम लोग नहीं करेंगे डिज़ाइन, क्योंकि इसमें है, इसमें जब रख देंगे तो फिर दोनों बिल्कुल मैच करेगा, तो बीच का हिस्सा प्लेन रखते हैं। तो इसे हम लोग यहाँ रखें। अब एक कटोरी और बनाते हैं। अब कटोरी बनाने के लिए यदि आपके पास हींग का ढक्कन नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस तरह का गिलास लेंगे और इसे नीचे की तरफ से हम लोग काटते हैं। अब आपको जितनी ऊंची कटोरी रखनी है आप इसे बराबर करके उतनी बड़ी रखेंगे और फिर इसके ऊपर आप इसी की तरह से कपड़ा लगा करके ऊपर से डेकोरेट करते हैं। ये मैंने ढक्कन से बनाई है और ये ग्लास से बनाई हुई है। देखिए दोनों एक जैसा ही लग रहा है, कोई डिफरेंस नहीं लगता है। तो ऑप्शन है आपका, आपके पास ढक्कन है तो आप लीजिए, नहीं है तो आप गिलास का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए दोनों मैं इसके ऊपर रख दे रही हूँ। अब थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो हमारे पास जो वाटर बॉटल होती है ना, वाटर बॉटल में भी बहुत से ऐसे गिलास और ढक्कन जो होते हैं ना ग्लास शेप में होते हैं, छोटे लंबे आकार में, हम लोग उस गिलास का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने तो ये दवा की शीशी का ढक्कन लिया है, तो ये देखिए इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा करके ऊपर इसमें भी मैचिंग डिज़ाइन बना दी। अब इसके नीचे क्योंकि पानी है, ये तो लुढ़कने की चीज़ नहीं है, फ्लैट है, इसलिए आराम से रखी जाएगी। और ये पानी है, यदि आप इसे उठाते हैं तो बाई चांस ये गिर सकता है, तो इसके नीचे मैंने ग्लिटर का टुकड़ा लगा दिया है। और अब मैं इसका ये स्टिकर हटा करके, स्टिकर हटा दिया मैंने, और आपको जहाँ उचित लगे आप इसे यूं भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये रोली चावल और पानी आपने इसमें लगा दिया, और मैं राखी रखी थी यहाँ, ये देखिए आप यहाँ राखी रख सकते हैं, यहाँ आप अपना स्वीट्स रखिए। और स्टील की प्लेट भी यदि लेते हैं तो उसको आप इसी फॉर्म में डेकोरेट कर लीजिए, उसके किनारे पे कपड़ा लगा लीजिए और ऊपर से सेम डेकोरेशन कीजिए, गोल्डन है तो गोल्डन। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनमें अपने लोग रोली चावल रखते हैं, ऐसा लुक आता है, ज़रा देखें। तो ये अब हम लोग इसमें रोली रख लेते हैं और चावल रख लेते हैं, और हमें पानी की तो थोड़ी ही ज़रूरत होती है, इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। तो अब ये बन गई हमारी राखी की थाली। इसको आपने कुछ नहीं किया, आपने अलग से बनाया था इसे और सिर्फ थाली में रख दिया है, तो नीचे से आपको वेट भी हो गया और वो डेकोरेशन भी आपका दिखाई दे रहा है। तो आया ना मज़ा, एक चीज़ बनाई और उसे थाली के ऊपर रख कर सिर्फ थाली का डेकोरेशन दिखा दिया। अब इसका मैं दूसरा यूज़ दिखाती हूँ आपको। इसे हम लोग रख देते हैं, ये रोली चावल है मेरे, इन्हें हम अलग रख देते हैं। ये देखिए अब आपने उठा करके जब इसे अलग रख दिया और ये बन गई आपकी वैसी थाली जिसे आप परमानेंट आपने डेकोरेशन किया। इसमें भी देखिए मैंने रोली चावल रखा है, आप इसमें से पानी लेंगे और मैं आपको टीका करके दिखाती हूँ कैसे आपको टीका करना है। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया इसमें,
हम लोग तीसरी उंगली का यूज करते हैं। ये रोली को घोल लिया और अंगूठे में लगाया और भाई के मस्तक पर लगा करके अंगूठे से उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। उसके बाद चावल लिए और भाई के मस्तक पर टीके के ऊपर लगा करके उसके ऊपर से हमने बरसा दी। उसके बाद हम लोग राखी बांधते हैं भाई की कलाई पर। उसके बाद भाई को मिठाई खिलाते हैं और एक आरता करते हैं जो कि किसी किसी कास्ट में होता है, सब में नहीं। तो जिनके होता है वो समझ जाएंगे। वो भाई की जरूरी नहीं कि आरती करें तो दिया ही जलाया जाए, भाई का आरता उतारा जाता है। तो ये हुई हमारी राखी और ये दो तरह की थाली हमने सजाई। अब हम इसका दूसरा यूज करते हैं। इन सबको हम लोग हटा देंगे, एक बार इसी में रख देती हूँ। अब ये हमारा क्या बन जा रहा है, ये हम यदि किसी को मिठाई देने जा रहे हैं, घर पे कोई पूजा होती है तो हम लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपने एक स्टील की थाली में, चांदी की थाली में, किसी में भी आपने भोग सजाया और इसे हम लोग ऊपर से ढक देते हैं। ठीक है, हमने ढक दिया। अब ये आपका क्या हो गया है, ये थाल पोस का काम कर रहा है। ये थाल की, थाल का कपड़ा, पोशाक, पोश जो होता है पोशाक, थाल की पोशाक। अब आपने इसमें अपने सामान रखे और ढक्के ले लिए, दे आए आप किसी के यहाँ। ले जाने में इतना सुंदर लगा, जिसने लिया वो भी देख के खुश हुआ, चार बार आपसे पूछा। अब आप मंदिर जाते हो, मंदिर जाने के लिए आप इसी तरीके की तैयारी करते हो, बस उसमें राखी नहीं होती, रोली होती है, चावल होता है, जल होता है और फ्रूट्स भी रखते हैं प्रसाद लगाने के लिए। मौली होती है वो आप रखते हैं, सुपारी, पान, ये सब आप इसमें रख सकते हैं। इसके ऊपर भी रखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मंदिर जा रहे हैं तो सबसे खुली तो नहीं ले जाएंगे, उसे अभी आप ढक के ले जा सकते हैं। ये आपकी ढकी हुई थाली हो गई। ये हमारा तीसरा यूज हुआ। अब एक और यूज आपको बताती हूँ। अब बड़े भाई बहनों का एंगेजमेंट है घर में, अब उसके लिए भी तो जब रिंग सेरेमनी होती है तो हमें रिंग रखनी है ना सजाने की, सजाई हुई थाली में। फटाफट हमने इस तरह की, आप जो चाहें कोई नई डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक ही थाली का इतना यूज़ कर रहे हैं उसके लिए बता रही हूँ कि आपने एक बार बनाया, संभाल के रखा और समय समय पर इसका यूज़ किया, तो आप इसमें रिंग सेरेमनी के समय में आप इसे थाल में रख दीजिए और इसमें अंगूठियाँ रखिए और थोड़े से फ्लावर लगा दीजिए। देखिए, ये आपकी रिंग सेरेमनी की थाली बन जाती है। अब एक चीज़ और बता देती हूँ। आप भगवान की पूजा करना चाह रहे हैं, भगवान का सिंहासन बनता है या एक स्पेस बनाते हैं हम लोग यूँ, जैसे एक वाइट कपड़ा बिछाया, फिर उसके ऊपर हम लोग एक रेड कपड़ा भी बिछाते हैं, इस तरीके से गद्दी बना के गणेश जी लक्ष्मी जी को विराजते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग चाहिए तो ये पूरा भगवान का सिंहासन के रूप में इसे बिछा देते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर यदि बैठा देते हैं भगवान, तो ये देखिए, ये उसके भी यूज में आ गया। तो है ना आपके आइडिया का कमाल, एक काम और गुण उसमें कितने थे, अनेकों गुण थे। तो आप इस तरह का थाल पोस बनाइए और उसे बार 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 घुमा घुमा के यूज में लेते जाइए। ऐसा आप जरूर बनाइएगा और मुझे जरूर दिखाइएगा। धन्यवाद।